आपका क्वेश्चन है सॉल्व द इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या दिया है, एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर। यहां पर दिया है बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू बी स्क्वायर। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन आपका कौन सा है लीनियर इक्वेशन में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से है, बट कुछ स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट किया कि गो फॉर एलिमिनेशन मेथड, उसको कैसे करना है तो आज हम उसको सीखेंगे। तो सपोज यहां पर हमारे पास में दो वेरिएबल है, दिस इज योर एक्स एंड दिस इज योर वाई, है ना, दो वेरिएबल है। दो वेरिएबल में से आपकी मर्जी है आप किसको एलिमिनेट करना चाहते हैं। आप एक्स को भी कर सकते हैं एंड वाई को भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। ठीक है, तो यहां पर हम लोग कर रहे हैं एक्स को, हम लोग नहीं मैं कर रहा हूं एक्स को। ठीक है, आप वाई को भी कर सकते हैं, आप देखो इसको करना कैसे है। तो उससे पहले आपको क्या करना पड़ता है, कोएफिशिएंट्स को इक्वल करना है। यहां पर देखो क्या है, ए एक्स है और यहां पर है बी बी एक्स, दोनों को इक्वल करना है। तो हमने क्या किया, फर्स्ट इक्वेशन को बी के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और सेकेंड इक्वेशन को हमने क्या किया, ए के साथ मल्टीप्लाई कर दिया फुल इक्वेशन को। ठीक है, तो अब देखो ये क्या आ रहा है आपका, बी इंटू ए इज बी ए, एक्स प्लस बी इंटू बी इज बी स्क्वायर, बी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू बी इंटू ए स्क्वायर इज बी ए स्क्वायर। और सेकेंड इक्वेशन हमारा क्या है, देखो ए इंटू बी इज ए बी स्क्वायर, ए बी एक्स सॉरी ए बी एक्स, एंड ए इंटू ए इज ए स्क्वायर वाई, ए स्क्वायर वाई। ठीक है, फिर यहां पर है आपका ए एंड बी स्क्वायर, दैट मीन्स ए बी स्क्वायर, तो ये आपका आ गया ए बी स्क्वायर। ठीक है, नाउ सेकेंड स्टेप आपको क्या करना है, जिसको एलिमिनेट कर रहे हैं वो उसके कोएफिशिएंट्स के साइन डिफर होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए। अब देखो हमारे ये दोनों इक्वल हो गए, ए बी और बी ए, वॉट एवर यू कैन से, दोनों मल्टीप्लाई है तो आप लिख सकते हैं, तो दोनों पॉजिटिव में, तो हम क्या करेंगे, एक के साइन चेंज कर देंगे, एनी वन आपकी मर्जी है। तो नॉर्मली हम नीचे वाले के साइन चेंज करते हैं, वी यूज टू से हम इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये आपका माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया और ये भी माइनस हो गया। तो अब देखो आपका ये एक्स एलिमिनेट हो गया, अब देखो y के अंदर क्या बचा, y के अंदर हमारा बचा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एंड ब्रैकेट के अंदर हो गया आपका y, दिस इज इक्वल टू, यहां पर देखो यहां पर बचा आपका बी ए स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर। ठीक है, तो आप ये देखो क्या है, ये आपका इसके अंदर कॉमन क्या है, बी ए स्क्वायर एंड ए बी स्क्वायर में ए बी इज कॉमन, तो सेम चीज हम लिखेंगे यहां पर, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू ए बी इज कॉमन, तो हमारा यहां पर बचा ए माइनस बी, ए माइनस बी। ठीक है, और देखो अब वाई क्या हो गया आपका, वाई इज इक्वल टू ए बी इंटू ए माइनस बी बाई, और यहां पर है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो दिस इन द फॉर्म, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होता है हमारा, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, तो सेम चीज हम इसको भी लिखते हैं, तो ये देखो क्या आ जाएगा आपका, y इज इक्वल टू ए बी इंटू ए माइनस बी बाई बी माइनस ए इंटू बी प्लस ए।
अब आपको क्या करना है, कट करने के लिए आपको क्या करना है, ये दोनों को इक्वल करना है। तो यहां पर है a माइनस बी, यहां पर है b माइनस ए, दैट मीन साइंस आर डिफरेंट। तो साइन चेंज कर दे रहे हैं हमको, तो कैसे करेंगे हम, देखो y इज इक्वल टू, इसको हम a माइनस बी करेंगे, दैट मीन्स वी विल पुट अ माइनस कॉमन। तो यहां पर हमने कर दिया देखो ए बी, और ये हो गया आपका ए माइनस बाई, यहां पर मैंने माइनस को कॉमन ले लिया, तो ये आपका हो गया ए माइनस बी, है ना, माइनस ए माइनस इंटू माइनस इज प्लस, तो ये देखो सेम हो गया। और यहां पर हमारा है बी प्लस ए को हम लिख सकते हैं ए प्लस बी। अब देखो ये कट हो गया आपका, और माइनस देखो अकेला है यहां पर, ये आपका नीचे डिनोमिनेटर में नहीं होता है, वो कहां पर होता है, न्यूमिनेटर में। तो दिस इज इक्वल टू, वी कैन से इट्स अ माइनस ए बी बाई ए प्लस बी। तो ये तो आपका वाई हो गया, अब आपको एक्स निकालना है। तो एक्स के लिए आपको क्या करना है, ये वाई की वैल्यू एनी वन ऑफ द इक्वेशन में हम पुट करेंगे, किसी भी एक में। तो वी विल गो फॉर फर्स्ट वन, तो ये है आपका देखो क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई, बी इंटू वाई इज माइनस ए बी बाई ए प्लस बी, दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, नाउ इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, देखो ए एक्स माइनस ए बी स्क्वायर बाई ए प्लस बी, दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब ये वाली वैल्यू जो है इसको राइट में लेकर आ जाओ, तो ये माइनस का क्या हो जाएगा यहां पर प्लस, तो ये हो गया आपका ए एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर बाई ए प्लस बी। नाउ टेक द एलसीएम, तो यहां पर लेफ्ट में तो आपका ए एक्स है, और हमने क्या किया, एलसीएम ले लिया ए प्लस बी, तो यहां पर क्या हो गया, देखो ए स्क्वायर इंटू ए प्लस बी प्लस ए बी स्क्वायर, इसको सॉल्व करो तो ये आपका आ जाएगा ए एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू ए इज ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर इंटू बी इज ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर बाई ए प्लस बी। नाउ यू कैन सी आपके न्यूमरेटर में ए इज कॉमन, तो कॉमन को हम बाहर लिखेंगे, बाकी को अंदर रख देंगे। तो ये आपका आ गया ए एक्स इज इक्वल टू ए, यहां पर बचा ए क्यूब की जगह पे ए स्क्वायर, यहां पर बचा आपका ए बी, और यहां पर बचा आपका बी स्क्वायर बाई ए प्लस बी। ठीक है, अब देखो एक्स आपका क्या हो गया, ए विल कम डाउन, है ना, तो ए और ए कट जाएगा, तो ए एंड ए कट गया, तो आपकी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, एक्स इज इक्वल टू वी कैन से इट्स अ ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बाई ए प्लस बी। तो एक्स इज दिस वन एंड वाई इज माइनस ए बी बाई ए प्लस बी। ठीक है,